हेलो दोस्तों, मैं राजवीर आपका फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो है आज का बहुत दिन बाद आ रहा है ना, और ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हमारा वीडियो का मैं आपको टॉपिक आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक है व्हाट्सअप ग्रीन टिक को लेकर के है, व्हाट्सअप बिजनेस API को लेकर है। ठीक है, व्हाट्सअप API को लेकर के है। तो आप जानते हैं हम लोग जैसे व्हाट्सअप वगैरह का मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारा जो नंबर है ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, उसका जो समाधान है मैं यहाँ पे लेके आ चुके हैं। वो तो पहले से था लेकिन हम लोग उस चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि वो जो चीज़ है और थोड़ा सा कॉस्टली है। लेकिन ठीक है, कॉस्टली है तो इतना भी कॉस्टली नहीं है कि हम उसको यूज़ ना कर सकें। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन हम अपने बारे में दे देते हैं कि हम लोग जो है आपको मतलब क्या क्या चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, imchhattisgarh.com हमारा वेबसाइट है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। अपने बिजनेस को बढ़ाइए हमारे साथ। ठीक है, पेपर टीवी अखबार में प्रचार करने का जमाना गया, नाम आपका प्रचार हमारा। ठीक है, हमारी सर्विसेज आप देख सकते हैं, बल्क SMS सर्विस, बल्क व्हाट्सअप SMS, बल्क वॉइस कॉलिंग सॉफ्टवेयर, मिस कॉल रीडिंग, वेबसाइट है ना, वेबसाइट बनवाना हो, SEO करना हो, PPC SMM, ईमेल मार्केटिंग से लेकर के ग्राफिक डिजाइनिंग, गूगल मैप एड कैंपेन, गूगल एड कैंपेन, सारी चीज़ जो है आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं है ना। आपको और अन्य तरह की भी अगर सॉफ्टवेयर वगैरह का रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कम प्राइसेस में आप हमसे व्हाट्सअप या कॉल करके जो है आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी मैं आपको यहाँ पे चीज़ें दिखा देता हूँ। और भी हमारे पास चीज़ें जो है हम लोग एक के बाद में आपको दिखा दे रहा हूँ है ना, फटाफट दिखा देता हूँ मैं। और भी हमारी सर्विसेज हम लोग क्या बेचते हैं, क्या सेल करते हैं, क्या सर्विसेज हम लोग देते हैं, तो आप चाहें तो हमारे ये PDF मैं नीचे डाल दूँगा। ठीक है, देखिए बॉट मास्टर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, वा सेंडर हो गया, बल्क टेक्स SMS पैनल हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसको जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप हमारा यूट्यूब चैनल भी एक बार चेक कर लीजिएगा, जो वहाँ पे आपको जो है काफ़ी जो है चीज़ें मिलेंगी आपको मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है ना, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। मैं आपको एक बार चैनल में आपने दिखा देता हूँ, imchhattisgarh। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ इसीलिए imchhattisgarh है ना। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यह हमारा चैनल है। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए उससे रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जूम से रिलेटेड, बल्क टेक्स्ट SMS, सारी आपको जो है चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अपने वापस अपने जहाँ पे हमने इस वीडियो को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखिए व्हाट्सअप ग्रीन टिक, देखिए व्हाट्सअप ग्रीन टिक समझ में आ रहा है ना कि व्हाट्सअप ग्रीन टिक क्या है, कि व्हाट्सअप के आइकन पे है ना एक ग्रीन टिक का हमको मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, व्हाट्सएप ग्रीन टिक इमेजेस। ठीक है, जो ऐसा जो है निशान आता है, ठीक है, कोई भी कंपनी वाले हों है ना, देखिए आपको हम दिख जाएगा। देखिए ये कुछ कंपनी वाले हैं, देखिए जैसे देखिए मेक माय ट्रिप का एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ है ना। देखिए यहाँ पे मेक माय ट्रिप में जो ग्रीन कलर का जो मार्क लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट्सएप का ग्रीन टिक है ना। कंपनी जब काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, काफ़ी फेमस हो जाती है, तो उनको जो है व्हाट्सअप की तरफ से ग्रीन टिक जो है दे दिया जाता है। ठीक है, तो व्हाट्सअप ग्रीन टिक बोला जाए या फिर व्हाट्सअप बिजनेस API बोला जाए, एक ही चीज़ होता है। ठीक है, मतलब हम लोग आज इसमें देखेंगे कि आप व्हाट्सअप प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, सब चीज़ दिखाऊंगा है ना, कि कैसे इसको खरीदें, कैसे क्या किया जाए, मतलब प्रोसेस क्या है, पूरा एक एक स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस किया क्या है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कि बेनिफिट ऑफ व्हाट्सअप बिजनेस API। ठीक है, तो आप बेनिफिट से ही समझ जाएंगे कि इसका यूज क्या है भाई, व्हाट्सअप बिजनेस API का आखिर में यूज क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट है कि आप अनलिमिटेड मैसेज भेज सकते हो डेली। इस चीज को याद रखना कि चाहे बॉट मास्टर हो, वा सेंडर हो, उससे अनलिमिटेड मैसेज नहीं भेज सकते। ठीक है, भले पैसा नहीं लगता, फ्री में भेजते हैं, लेकिन अनलिमिटेड मैसेज नहीं भेज सकते। दूसरा है कि इसमें आपका नंबर कभी ब्लॉक नहीं होता, इस चीज को याद रखिए, कभी मतलब ब्लॉकेज नहीं होगा। अगर ब्लॉक कुछ होता है तो जो मैसेज, अगर आप मान लो स्पैम मैसेज भेज रहे हो, कुछ इलीगल कर रहे हो, कुछ 18+ कंटेनर का फैला रहे हो, तो आपका वो मैसेज ब्लॉक होगा, आपका नंबर कभी ब्लॉक नहीं होता। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए।
ठीक है। तीसरा क्या है कि क्रिएटिंग सुपीरियर ब्रांड कनेक्शन, ठीक है। आपका एक धीरे धीरे क्या है ब्रांड बनता है, लोग को जैसे ग्रीन टिक दिखता है या फिर आपका जो कंपनी के नाम से मैसेज जाता है ना दिखता ही है, ठीक है। देखिए अगर मैं भी आपको अगर मैसेज करता हूँ ना अपने इस ग्रीन टिक वाले से, मतलब ग्रीन टिक तो अभी इसमें नहीं मिला है, जो नॉर्मल अपने नंबर से करूँगा जिसमें मैंने बिजनेस API ले रखा है, IM36.com डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के नाम से मैंने ले रखा है, ठीक है। आपके फ़ोन में मैंने एक बार मैसेज कर दिया ना, आप मेरा नंबर सेव भी नहीं करोगे तो भी अगर आप कभी गलती से सर्च कर दिए IM36 तो भी मेरा जो है वहाँ पे दिख जाएगा। तो इसका फायदा ये भी है कि सेव किए बिना भी वो आपके जो फोन में चैट में रहता है, ठीक है। फुल्ली ट्रस्ट वेन ग्रीन टिक API, ठीक है। मतलब लोग तो भरोसा करते हैं ना, जैसे देखिए हम लोग क्या है ऑनलाइन चीज़ें सेल करते हैं, ऑनलाइन कुछ सर्विस देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सब्सक्राइबर हमारे कम है ना, उतने कम नहीं है लेकिन कम है, तो जो भी कस्टमर आते हैं तो उनको तो पहले भाई यही डाउट रहता है कि भाई तुम रियल हो कि फेक हो। आजकल बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, तो हम उनको अपना MSME रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं, अपना ISO सर्टिफिकेट दिखाते हैं, है ना, अपना गूगल मैप में मतलब अपना जो ऑफिस है, जो अपना घर का पूरा जो मतलब बना हुआ है वो देते हैं, उनको वेबसाइट भेजते हैं, तो कई लोगों को भरोसा हो जाता है ना। अब कई लोग क्या है डायरेक्ट GST मांगते हैं, तो GST नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि फ्रॉड कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब ग्रीन टिक आ जाता है ना तो कोई कुछ नहीं मांगेगा, समझिए। ग्रीन टिक मतलब भाई ग्रीन टिक मिलता ही कैसे है, डॉक्यूमेंट दिया है, रजिस्ट्रेशन किया है तो ही तो ग्रीन टिक मिला है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा पांचवा क्या है कि बटन और कैटलॉग, मतलब हर एक चीज़ इसमें में वर्क कर रहा है। अभी आप जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, बटन सेंडर हो, बॉट मास्टर, वार सेंडर, जो भी WS हो, मतलब बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, उसमें जो है बटन और एक कैटलॉग ये काम नहीं करता, ये चीज़ हम जानते हैं काम नहीं करता, ठीक है। तो इसमें जब काम करेगा, ठीक है, उसके बाद से देखिए चैट बॉक्स, इसमें काम चैट बॉट मिल जाएगा, मतलब आप इधर से हाई करोगे उधर से हेलो करेगा, उधर से हाउ आर यू करोगे उधर से हाउ आर यू करेगा, तो ये जो चीज़ें हैं आपको इसमें मिलती हैं, ठीक है। सातवां पॉइंट क्या है कि बर्थडे इन एनिवर्सरी, आप सेट करके रख दो कि भाई क्या बोलते हैं कि 24 दिसंबर को मतलब बर्थडे है, ठीक है, किसी का भी बर्थडे है डेट डाल दो, और उस दिन क्या भेजना है, उनको ऑफर भेजना है, कुछ गिफ्ट भेजना है, कुछ वाउचर भेजना है, सेट कर दो, उनके में चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। फेस्टिवल में डिस्काउंट ऑटोमेटिकली भेज सकते हो, ठीक है, कुछ जैसे 15 अगस्त आया, कुछ होली दिवाली दशहरा आने वाला है, तो आप उसके लिए भी पहले से सेटअप करके रख दो, उसी दिन मैसेज चला जाएगा। रिमाइंडर एंड फॉलोअप का फीचर होता है इसमें, जैसे मान के चलिए आज किसी ने हमको मैसेज किया कि मेरे को ये खरीदना है, ठीक है, अब कल आज भले नहीं खरीद रहा हो लेकिन वो कल तो उसको याद दिलाना पड़ेगा ना, तो हम उसको चाहें तो डेली उसको मैसेज ऑटोमेटिक करके रिमाइंडर कर सकते हैं, हेलो सर आप तो खरीदने वाले थे, क्या हुआ नहीं खरीदोगे क्या, समझ रहे हैं। मतलब अपने हिसाब से कुछ भी हम उसमें सेटिंग वगैरह कर सकते हैं कि रिमाइंडर करते रहेंगे उनको, अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो सीधा नंबर डिलीट या फिर जो भी उनको मैसेज भेजना बंद कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये मस्त फीचर है। और भी जो है मेनी मोर फीचर्स जो है, और भी इसमें जो है फीचर्स जो है इसमें आते रहेंगे, क्योंकि हम अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो प्रैक्टिकल तो आप समझ जाओगे, हमारा जो खुद का जो पैनल है उसमें हम और भी जो है फीचर्स उसमें एड करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए व्हाट्सअप बिजनेस API अगर किसी को चाहिए, ठीक है, व्हाट्सअप बिजनेस API अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, मतलब आपको क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या लगेगा आपको, अगर ये यूज़ करना है तो क्या चीज़ आपको लगेगा। तो देखो भैया पहले आपको लगेगा कि फ्रेश मोबाइल नंबर, आपको एक जाना है मार्केट में नया सिम खरीदना है, ठीक है, अच्छे से देख लेना अपने हिसाब से, नंबर अच्छा हो, याद करने में अच्छा हो, जो भी है, ठीक है, एक सिम ले लेना जिसपे कभी व्हाट्सअप इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, याद रखना फ्रेश सिम लेना जिसपे कभी भी व्हाट्सअप इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपको एक फेसबुक अकाउंट चाहिए, जाहिर सी बात है होगा, लेकिन याद रखिए अगर आप फेसबुक अकाउंट है उस पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलाते हो उस पर कोई पॉलिसी का वायलेशन नहीं होना चाहिए, आपका कुछ ब्लॉक व्लॉक नहीं होना चाहिए, या अगर हुआ होगा तो एक नया अकाउंट बना लेना, ठीक है। फेसबुक अकाउंट में आपके कंपनी के नाम का एक पेज होना चाहिए, पेज में थोड़ा एंगेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, नहीं भी होगा तो अपन करवा देंगे, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप कभी हमसे ना करवाओगे खुद से करते हो तो ये चीज़ें आपके काम आएगी। आपका फेसबुक का बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है, थर्ड पॉइंट वही है कि आपका जो फेसबुक का बिजनेस मैनेजर है वेरीफाई होना चाहिए, तो आप गूगल में बस सर्च कर सकते हो कि भाई फेसबुक मैनेजर को वेरीफाई कैसे किया जाए, बहुत सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, आपका एक बिजनेस ईमेल, जैसे देखिए मेरे को जैसे मेरा क्या है rajveer@gmail.com, ये जीमेल का बिजनेस है, वैसा ईमेल नहीं चलेगा, हमको हमारा जो वेबसाइट है, जैसे हमारा वेबसाइट है IM36
तो इससे रिलेटेड एक मेरा ईमेल है contact@IIMChhattisgarh.com, support@IIMChhattisgarh, है ना, sales team@, ये क्या है, बिजनेस ईमेल। तो ऐसा आपका सेम ईमेल होना चाहिए, आपका वेबसाइट होना चाहिए आपके कंपनी के नाम से। बात थोड़ा बड़ा मतलब स्पेलिंग वगैरह चलेगा, अभी स्पेलिंग क्या, जैसे .in.com हो या फिर कुछ भी नाम हो, है ना, लेकिन आपका जो वेबसाइट का जो मेन जहाँ पे आप लोगो लगाते हैं ना, वहाँ पे आपके कंपनी का नाम दिखना चाहिए, आपके वेबसाइट के फुटर में अच्छे से नाम दिखना चाहिए, है ना। वहाँ पे ये होना चाहिए कि ऑल राइट, है ना, ऑल राइट रिजर्व बाय दिस वेबसाइट वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए, ठीक है। फॉलो द पॉलिसीज ऑफ व्हाट्सएप, है ना, व्हाट्सएप के जो भी पॉलिसीज वगैरह होती हैं आपको फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉइंट वन और टू का मैं लिंक दे दूंगा, है ना, लिंक है जाहिर सी, है ना, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पॉलिसीज दिख जाएंगी, है ना। एक और चीज़ ये है कि अगर आप ये व्हाट्सएप बिजनेस API यूज़ कर रहे हैं, जो भी ग्रीन टेक वाला सिस्टम है, तो आपको एक तरह से वीकली मंथली आपको जो है व्हाट्सएप की पॉलिसीज आपको पढ़ना ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें आती हैं, है ना। आप मान लो कुछ भी कर रहे हो और उधर से आपका नंबर ब्लॉक हो गया या फिर व्हाट्सएप ने उड़ा दिया अगले दिन, है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये सब चीज़ें आपको पढ़ती रहनी है, आपको अपडेट रखना है, ठीक है। चूज मोस्ट अफोर्डेबल BSP, ठीक है। BSP क्या होता है, ऐसे जैसे आपने सुना होगा एक वाटी करके है, है ना, वाटी करके है, इंकार्ट करके, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, AICNC है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना, हम खुद भी एक तरह से BSP हैं, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो आपको जो अच्छा लगता है, जो सस्ता है ना, बहुत सारी कंपनी मैंने बता दिया, उसको आप चूज कर सकते हैं, आप हमारा प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, आपको मतलब जो प्राइस के हिसाब से आपको अच्छा लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा भाई, GST हो गया, आपका MSME रजिस्ट्रेशन हो गया, पैन कार्ड हो गया, है ना, आधार कार्ड हो गया, आपका बिजली बिल हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, है ना। ये मत सोचना GST नहीं है तो नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक है, आप मैसेज करना, हम करवा देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है लगेंगी। और देखिए आठवां पॉइंट मैंने यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि इसका कॉस्टिंग क्या है, खर्चा क्या है। देखिए खर्चा मैं इसको बता देता हूँ आपको, दो तरीके से होता है। एक सिंपल खर्चा होता है कि जो व्हाट्सअप फेसबुक का जो प्राइस है, पर मैसेज का प्राइस, देखिए इसमें सिंपल होता है, कन्वर्सेशन के बेसिस से चार्ज होता है। अब कन्वर्सेशन क्या होता है, कन्वर्सेशन मतलब मैंने आज किसी को मैसेज किया, उधर से किसी ने रिप्लाई किया, इसको एक कन्वर्सेशन बोलेंगे, ठीक है। ये 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, और फिर 24 घंटे बाद हो गया हम लोग के बीच बातचीत, तो दो कन्वर्सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कन्वर्सेशन का मतलब, इधर से मैं मैसेज करता हूँ तो फेसबुक वाला अभी करेंट में काटता है 73 पैसा, है ना, 73 पैसा काटता है, और कस्टमर ने उधर से मैसेज किया तो 29 पैसा जो है फेसबुक वाला काटता है। तो ये जो चीज़ है अभी करेंट में है, ठीक है, तो ये फेसबुक को देना ही पड़ता है, चाहे आप मेरे से लें, कोई दूसरे कंपनी से लें, वाटी पार्टी से लें, है ना, आपको जो है ये 70 पैसा जो 73 पैसा है देना ही है, ठीक है। और उसके बाद से, लेकिन कुछ कंपनियां हैं ऐसा, है ना, जो आपको बेवकूफ़ बनाएंगी या फिर बोलेंगी, है ना, कि जो फेसबुक ले रहा है ना वो 80 पैसा ले रहा है, 85 पैसा ले रहा है, 90 पैसा ले रहा है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, फेसबुक वाला जो भी आपको ले रहा है, दे रहा है, उसका मैं लिंक तो एक नीचे डाल दूंगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हो कि इंडिया में उसका प्राइस क्या है। कुछ लोग आपको अपना ही PDF दे देंगे कि भाई देखो ये फेसबुक का मतलब एक्सेल फाइल देंगे आपको, वहाँ पे दिखे रहेगा इंडिया का रेट 80 पैसा है, 80 पैसा नहीं है वो 70-73 पैसा है, 73 पैसा है, है ना। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप जो फेसबुक को पैसा दे वो ओरिजिनल पैसा दे, है ना, और पैसा डायरेक्ट उन्हीं को जाए, ऐसा नहीं कि इनको जाए फिर उनको जाए, तो भैया झोल है इस चीज़ में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो कॉस्टिंग है वो मतलब आपका जो है 70 पैसा ही जाना चाहिए, और कस्टमर ने उधर से रिप्लाई किया तो 29 पैसा, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि भाई ये तो साला मतलब 1 रुपया हो गया, है ना, इतना महंगा मतलब कैसे हो रहा है ना। एक चीज़ और इसमें होता है कि जैसे आपने इधर से मैसेज किया, उधर से कस्टमर का मैसेज आया, 24 घंटे के अंदर अगर आप जितना बात करोगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो जो चैट का कन्वर्सेशन है ब्लॉक हो जाता है। इसमें एक जो थोड़ा सा अजीब सा चीज़ है, अजीब सा क्या है, फेसबुक का है, ठीक है। फिर आप उस कस्टमर को मैसेज नहीं कर सकते दोबारा, उस कस्टमर को आपको मैसेज करना है तो आपको एक कैंपेन चलाना पड़ता है। कैंपेन चलाना मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, दोबारा उस कस्टमर को मैसेज करना पड़ता है, और फिर उस मैसेज का जो है फेसबुक वाला 70-72 पैसा काटता है ना। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि ठीक है चलो, अभी जैसे नॉर्मल आप स्टार्ट कर रहे हो, आप तो मैसेज नहीं करोगे, लेकिन कई कस्टमर ऐसे हैं फालतू के, है ना, गुलाब का फूल भेजेगा कोई, है ना, कोई आपको भेजेगा गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं, गुड मॉर्निंग जी, हाय हेलो, तो उसका भी पैसा काटेगा। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में
1000 मैसेज हर महीने 1000 मैसेज फेसबुक की तरफ से फ्री है। कौन से मैसेज? जब कस्टमर उधर से करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, कस्टमर जब उधर से करेगा 1000 मैसेज तक फ्री है बिल्कुल, ठीक है। इधर से करोगे तो फ्री नहीं है, उधर से जब मैसेज आया ना, ये भी कई लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, उधर से जो 1000 मैसेज आया वो बिल्कुल जो है फ्री है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गया, और बाकी तो मैं देखिए मैंने बता दिया। अब देखिए कुछ आप प्लेटफॉर्म को लोगे, मंथली लेते हैं 2000, ठीक है, 2000 भी मंथली लेंगे आपसे, और फिर वही 80 पैसा चार्ज करेंगे, 90 पैसा, 1 रुपया चार्ज करेंगे। कुछ प्लेटफॉर्म वाले ऐसे हैं कि आपको सीधा 12000 में पूरा दे देंगे, है ना, 15000 में अपना पैनल दे देंगे एक साल के लिए, और बोलेंगे, और फिर भी वो जो है आपसे 80 पैसा 90 पैसे 1 रुपया चार्ज करते हैं। तो अब मैं अपने ही पैनल का कॉस्टिंग बता देता हूँ, है ना, पैनल तो दिखेगा ही आपको, पहले कॉस्टिंग ही बता देता हूँ, फिर उसके आगे आपको जो भी आप सोचोगे आप उसी के हिसाब से सोचोगे कि 10000 जो आप दोगे वो काम का है कि नहीं है भैया, है ना, जो आप चीज़ दे रहे हो वो आपके फ़ायदे का है कि नहीं है। तो देखिए हम लोग का जो प्राइसिंग है अभी करेंट में 10000 हम लोग लेते हैं, है ना, कोई GST वेस्ट नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, 10000 लेते हैं, एक साल के लिए आपको पैनल देते हैं, उसके बाद से आपको जो भी करना है आप रहेंगे, फेसबुक रहेगा, हम बीच में नहीं आएंगे, ठीक है। 70 पैसा 72 पैसा जो भी चार्ज है ओरिजिनल वो आपको फेसबुक को देना रहेगा, हमको कुछ नहीं देना है, आपका डेबिट कार्ड लगेगा फेसबुक के पीछे में, मतलब पीछे में जो फंसाएंगे आप ही का डेबिट कार्ड, आप ही का क्रेडिट कार्ड रहेगा, ठीक है। मैंने एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हम नहीं रहेंगे बीच में, आप रहेंगे, फेसबुक वाला रहेगा, व्हाट्सअप वाला रहेगा, जो मैसेज करोगे ऑटोमेटिक व्हाट्सअप वाला काटेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एक है, आपको हम 10000 में देंगे एक साल के लिए पैनल, रीसेलर भी आ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो 10000 जो प्राइस बता रहा हूँ कम ज़्यादा हो सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ओरिजिनल जो प्राइस है मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं और चलिए इसका हम डेमो देख लेते हैं, यानी कि हम इसका प्रैक्टिकल एक देख लेते हैं कि कैसा है, ठीक है। देखिए ये हमारा जो पैनल है api.im36.com, ठीक है, हमारा वेबसाइट ओरिजिनल है तो उसका सब डोमेन हमने उस पर बना लिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं होम पेज पे, होम पेज में डैशबोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। अगर आप रीसेलर अगर हमसे करवाना चाहेंगे तो ये सब हम आपका कर देंगे, है ना, क्या बोलते हैं इसको, आपका लोगो वगैरह सब लगा देंगे, उसका प्राइस वगैरह आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए तो डैशबोर्ड सिंपल समझिएगा, है ना, ऐसा नहीं कि सर हमको एनी डेस्क में डेमो दिखा दो ये कर दो, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा हमारा पैनल, ठीक है। वीडियो रहेगा क्योंकि काफ़ी कस्टमर रहते हैं तो टाइम हमको उसमें नहीं मिलता है, कोशिश करेंगे अगर समय मिले तो आपको दिखा दिया जाएगा। देखिए 5870 लोगों को मैंने अभी तक मैसेज भेजा है या फिर वो लोग मेरे कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। व्हाट्सअप सेंड सर आज का है, एक मैसेज गया है, डिलीवर हुआ है, ठीक है, अभी तक रीड नहीं किया है कस्टमर ने, है ना, तो इसलिए 0 दिखा रहा है। यहाँ पे जो भी मैंने कैंपेन किया है उसको आप देख सकते हैं, क्लिक कर करके मैसेज कितना गया है, कितना फेल हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यह हो गया सिंपल डैशबोर्ड में, ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी या तो एक एक नंबर अपलोड करो या फिर सीधा एक्सेल फाइल पकड़ो वहाँ पे अपलोड कर दो, है ना। तो देखिए 8 कॉन्टैक्ट में जाऊँगा और एक एक नाम, है ना, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालूंगा, है ना, तो वो अपलोड होगा, या फिर डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, एक फाइल लूंगा यहाँ से इंपोर्ट कर दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट मैं फाइल आप इंपोर्ट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी आप अपने हिसाब से अपलोड कर देना, यहाँ पे सैंपल डाउनलोड कर लेना, सैंपल डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे मोबाइल नंबर का कॉलम दिखेगा, वहाँ पे फिर जो है आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है 91 के साथ, फिर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ये एक जो चीज़ है। अच्छा आप अपलोड करोगे, देखिए मैं ग्रुप भी बना सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप कैसे बनाते हैं देखिए, मैंने हमारे जो कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप में है 700 लोग, उनका मैंने सिर्फ एक ग्रुप बनाया है कि भाई वो मेरे पर्सनल कस्टमर है, और कुछ कॉन्टैक्ट्स जो है मैं परचेस करता हूँ तो, है ना, तो उनका जो है 5117 कॉन्टैक्ट मैंने परचेस किया था। तो मतलब हर एक चीज़ का ग्रुप बना सकते हो, जैसे आपका अलग कई बिजनेस है, जैसे आपके स्टूडेंट और कोचिंग का बिजनेस है तो उनका अलग ग्रुप बना दो, सबका ग्रुप बना सकते हो, तो ये बेस्ट रहेगा, ऑनलाइन जो है नंबर सेव रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे सिक्योर रहेगा, ये जो चीज़ है हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए कैंपेन में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ठीक है, कैंपेन का क्या है, ये कैंपेन में क्या है, एक कैंपेन करते हैं, क्रिएट एंड न्यू कैंपेन में जाएंगे, है ना। तो ये कैंपेन करने पहले चीज़ें समझाता हूँ, है ना, आज का डेट क्या है, 20 अगस्त, कुछ भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, उन्होंने, ठीक है, मैसेज किसको करना है, तो मैं ग्रुप में जाता हूँ, मुझे मैसेज करना है अपने ही कस्टमर लोग को, मतलब जो है मैसेज करना है, ठीक है, मुझे उनको भेजना है क्या चीज़ के बारे में,
देखिए मैंने सारे चीज़ें पहले से अप्रूव करा के रखी हैं, मुझे जैसे जूम वाला भेजना है, ठीक है, नेक्स्ट करूँगा, है ना। देखिए व्हाट्सएप में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा हमारा मैसेज, नीचे में इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, स्टॉप प्रमोशन, सब चीज़ का मैसेज दिख रहा है ना। इमेज आप कुछ भी डाल सकते हो अप्रूव कराने के टाइम में, है ना, सिंपल इमेज डालना कि अप्रूव हो जाए, ठीक है, फिर आप इमेज, क्योंकि यहाँ पे चेंज करने का परमिशन मतलब यहाँ पे मिलता है, तो मैं कुछ भी फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे इसी का फ़ोटो ले लिया मैं, गूगल ड्राइव वाला फ़ोटो ले लिया, है ना, उसको मैं करूँगा नेक्स्ट, ठीक है, उसको मैं अभी करता हूँ नेक्स्ट। अब देखिए, अब मैं डायरेक्ट अगर सेंड कर दूंगा ना, तो मेरे जो 700 कॉन्टेक्ट हैं उनको ये मैसेज चला जाएगा, लेकिन मुझे तो अभी भेजना नहीं है, ठीक है, क्यों परेशान करें, है ना, आप लोग को, आप ही लोग हो इसमें, है ना। देखिए मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक टेस्ट मैसेज भेज के आप मैं चेक कर लेते हैं कि मैसेज कैसे जाता है, कैसे दिखता है, तो मैं अपना ही नंबर डालता हूँ, 8839555031, और यहाँ पे दिख गया कि मैसेज सेंड फॉर टेस्टिंग, और जस्ट ये एक मिनट लेता है, एक मिनट से मतलब ये ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका इंतज़ार करेंगे आने का, ठीक है, तब तक ये देखते हैं हम कुछ और, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है आप मैसेज वगैरह भेज सकते हो, है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर आप उसको डैशबोर्ड में देख लेना, ठीक है। अब देखिए इनबॉक्स में क्या है, जब कस्टमर के मतलब नॉर्मल चैट्स होती हैं, देखिए इस नंबर से आप व्हाट्सअप इंस्टॉल नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझना आप, ये जो है नॉर्मल जो हमारे, देखिए अभी मैंने जस्ट भेजा है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, वहाँ पहुँचने में एक मिनट टाइम लगता है थोड़ा सा, जितने हमारे जो कस्टमर हैं आप उनको यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हैं, बढ़िया से यहाँ पैनल है ना, एक एक कस्टमर का आप यहाँ पे चैट वगैरह है, सारी इमोजी से लेकर के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, अटैचमेंट वगैरह आप यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप भेज सकते हो उनको, ठीक है। मैं यहाँ पे खोलता हूँ, आया है कि नहीं आया है, देखिए ये यहाँ पे नहीं, ये तो हमारा ही ग्रुप है, ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये हमारा जो है मैसेज आ चुका है, ये वाला, है ना, ये वाला मैसेज देखिए, मैंने गूगल ड्राइव का लिंक डाला था, है ना, हेलो सर, मतलब जो भी हमने जूम का करवाया था, उसके बाद से इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड करके हमने किया है, ठीक है। यहाँ पे पूरा बटन बकायदा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर मोबाइल में भी दिखेगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए कंपनी का नाम यहाँ पे आ रहा है, देखिए पूरा चीज़, इतना चीज़ आप उसमें नहीं डाल सकते यहाँ पे, है ना, मतलब अच्छे से सब चीज़ दिख रहा है, और किसी को सेव करने की जरूरत नहीं है, ये एक तरह से उनके फ़ोन में, देखिए एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट में सेव नहीं होता है, लेकिन एक तरह से व्हाट्सअप पे उनके सेव रहता है, अगर गलती से वो लोग सर्च कर IM36.com सर्च करेंगे तो ये नंबर उनको जो है दिख जाता है, ये हमारा चैट उनको दिख जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद से देखिए ऑटोमेशन का क्या है, मैं लाइन से एक ही चीज़ बता रहा हूँ, इनबॉक्स में अपन चैट वगैरह करते हैं वो सब चीज़ें, ऑटोमेशन में क्या है कि देखिए मैंने जूम से रिलेटेड एक ऑटोमेशन बना कर रखा है, इसी को मैं खोलता हूँ, है ना। देखिए ग्रीटिंग एक इसमें फीचर है, ग्रीटिंग का मतलब जब भी कोई पहली बार आपको हाय या हेलो कुछ भी भेजे पहली बार, है ना, तो उसको क्या मैसेज जाए। देखिए आप और जो वजीपर वगैरह का चैट बॉट यूज़ करते हो तो उसका तो नॉर्मल है, इसका जब चैट बॉट यूज़ करेंगे ना तो जब चैट बॉट का रिप्लाई आता है टोंग से मैसेज आता है, अच्छा मतलब अच्छा साउंड करता है काफ़ी। देखिए कोई भी हेलो हाय मतलब कोई भी कुछ भी मैसेज भेजेगा ना कस्टमर, तो उनको ये मैसेज जाता ही है, हाय देयर आई एम चैट बॉट ऑफ दिस, ये उनको ऑटो रिप्लाई जाता है, ठीक है, ये ग्रीटिंग के टाइम में जाता है स्टार्टिंग में, है ना। और बाकी के देखिए मैंने जूम का ऑटोमेशन लगा कर रखा है कि कुछ भी बातचीत हो चैट में अगर जूम शब्द आ गया, जूम वर्ड आ गया, तो उनको देखिए यहाँ पे हम और भी सेट कर सकते हैं, जैसे चलिए मैं जूम भी सेट कर दिया, अगर बातचीत में उनके जूम कस्टमर के सेट आ गया, है ना, मतलब वर्ड आ गया, तो ये यहाँ से मैसेज उनको जो चला जाएगा। तो ये था हमारा ऑटोमेशन, और इसी में मैं सारे फीचर्स आपको दिखा दे रहा हूँ, हमारे जो भी नेक्स्ट फीचर्स डेवलपर लोग इसको अपडेट कर रहे हैं, जो भी देखिए ग्रीटिंग हो गया, कीवर्ड हो गया, देखिए बर्थडे एनिवर्सरी वाला भी है, फेस्टिवल डिस्काउंट वाला भी है, ये सब रेडी है, ये रिमाइंडर फॉलोअप अभी बढ़ रहा है, ठीक है, और भी फीचर्स इस पर हम जो है लाते, बहुत सारे फीचर्स हम लाने को ला सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझना, चीज़ों को टाइम लगता है करने में। देखिए टेम्पलेट्स क्या है, टेम्पलेट्स मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, है ना, कि टेम्पलेट होता क्या है। टेम्पलेट का कहने का मतलब सीधा है, देखिए आप अगर आप टेक्स्ट एसएमएस भेजते हो ना, तो इंडिया में भारत सरकार का जो नियम है, ट्राई का जो नियम है, कि आपको मैसेज पहले अप्रूव कराना पड़ेगा किसी को भेजने से पहले, वैसे ही व्हाट्सअप का नियम है कि आपको कुछ भी भेजने से पहले अप्रूव कराना पड़ता है। तो ये एक जो चीज़ है हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको करके रखा है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा अजीब लगेगा या फिर, है ना, उससे अच्छा आप क्या कीजिए, आप डायरेक्ट व्यू इन व्हाट्सएप पैनल करोगे ना, तो आप डायरेक्ट फेसबुक के पैनल पे चले जाओगे, है ना।
तो अगर आपको फेसबुक का पैनल अच्छा लगता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो हम यहीं से भी कर सकते हैं। करते हैं क्रिएट न्यू टेम्पलेट, एक नया टेम्पलेट अप्रूव के लिए डालते हैं। यहाँ पे भी आप डालोगे तो फेसबुक के पीछे ही जाएगा, है ना। मैं आज क्या डालता हूँ, चलिए मेरा पिज्ज़ा का शॉप है, मैं पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, मतलब पिज्ज़ा का ऑफर भेजना है कस्टमर लोग को, ठीक है। तो मैं लिखूँगा पिज्ज़ा अगस्त, देखिए स्पेस यहाँ पे नहीं होता है ना, तो आप ये कर सकते हो अंडर स्कोर डाल सकते हो अगस्त ऑफर्स, इस तरह के डाल सकते हो। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज आपको नहीं दिखेंगे, इसलिए आप व्हाट्सएप मैनेजर में जाके आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए हमारा क्या चीज़ का मैसेज है, ऑथेंटिकेशन का है, मार्केटिंग का है, तो हम ज़्यादातर जो मैसेज करेंगे हमारा मार्केटिंग के लिए ही रहेगा, है ना। इसमें क्या है, कुछ नहीं भेजना चाहते, टेक्स्ट भेजना चाहते हो, मीडिया, तो देखियो हम मीडिया भी भेजना चाहते हैं भाई, फोटो रहेगा, बटन रहेगा, सब चीज़ रहेगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से फोटो वगैरह यहाँ पे ले लोगे, जैसे मान लीजिए मैंने मैसेज यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, आप यहाँ से बटन वगैरह सब चीज़ लगा सकते हो, कॉल टू एक्शन सब लगा सकते हो, बटन वगैरह बढ़िया से एड सिंपल में जाके एक फ़ोटो कोई सा भी ले लेना, अच्छा सा फोटो जो नॉर्मल अप्रूव हो जाए। मैं ये 15 अगस्त वाला लेता हूँ, नीचे आके डन करूँगा, और यहाँ पे और भी हम चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, बटन में ले लेते हैं कॉल टू एक्शन, कॉल अस, कॉल 8839555031, ठीक है। ठीक तो है, अच्छा फाइल का जो साइज है 5 MB से कम रहना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइज बढ़ाना हो फोटो आप जो डालोगे, है ना, नहीं लगाया है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इंडिया है ना, इंडिया का ये लगाएंगे और फिर सेव कर देंगे। तो ये जो है एक तरह से क्या बोलते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जो है सबमिट हो जाएगा। देखिए मैं भी यहाँ से नहीं करता हूँ, तो आप काम कीजिएगा, आप जो है यहाँ से जो है मेन ये फेसबुक का ओरिजिनल जो पैनल है आप यहाँ से कीजिएगा, मैं आपको इसको कोशिश करूँगा, आपको सिखा दूँगा मैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा आसान लगता है और अच्छा भी लगता है थोड़ा। उसके बाद से API सेटअप का क्या है, ये तो चलिए वैसे ही है ना, WAVA स्टेटस, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपका फेसबुक को क्या पैसा दे रहे हैं, आपका बिजनेस मैनेजर देख सकते हो, आपका व्हाट्सएप पे टेम्पलेट चेक कर सकते हो, ग्रीन टिक आपको मिलेगा कैसे मिलेगा वो देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको देख सकते हो, कंपनी का स्टेटस अप्रूव है कि नहीं है, बिजनेस वेरीफाई है कि नहीं है, ठीक है। आप देखिए जैसे आप मैसेज करोगे, अगर स्पैमी मैसेज करोगे तो क्वालिटी ख़राब होता है, ग्रीन से रेड ब्लू येलो ऐसा होता है, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। देखिए मेरा आज तो 20 तारीख है, मतलब थोड़ा लेट से अपडेट, 19 तारीख का देखिए एक मैसेज किसी ने किया 0, किसी ने 7 मैसेज किया 7, ठीक है, डिलीवर हुआ। पैसा कितना कटा, तो देखिए पैसा 19 तारीख को मेरा 0.73 पैसा कटा, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि इसको लेके बहुत ज़्यादा नुकसान है, एक दिन मैंने 15 अगस्त दिन 623 मैसेज किया था, 451 रुपये कटा था, है ना, तो उतना में मेरा प्रॉफिट निकल जाता है, हमारा जो है चीज़ें बिक जाती हैं, सेल हो जाती हैं, ये चीज़ आप जो है समझ सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें जो है काफ़ी अच्छा है, आप इसको यूज कीजिए, है ना, और मुझे भी बताइए आपको इसका रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है, ठीक है। जो भी और एक्स्ट्रा डिटेल्स होंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक तरह से क्या बोलते हैं डाल दूंगा, है ना, सब चीज़ें जो हमारी है डाल दूंगा। और ये वीडियो में आज के लिए बस इतना ही था, है ना, कोशिश करूंगा आपके लिए जो वीडियोज़ है जल्दी जल्दी बनाया करूँ, है ना, और आपको मतलब सही सही जो चीज़ें हैं आपको लाया करें, जो आपका बिजनेस जो है थोड़ा सा अच्छा ग्रो हो, ठीक है, अच्छे से चले, अच्छे ग्रो हो, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Yo, this your body, you put in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you.